नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेकर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे परसेंटेज का पार्ट टू, यानी कि पास्ट फर्स्ट आपका वीडियो चैनल पर डल गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में पार्ट टू है और बेसिक कॉन्सेप्ट कल क्लियर हो गया था, इसलिए आज थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास में सीखेंगे परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन, जो कि उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, पूर्णांक या वर्गफल, जितने भी आपके क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं वो वाले क्वेश्चन आज सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों का 60% मिलता है, यानी कि किसी विद्यार्थी को एक परीक्षा दी उसने, उसमें 60% अधिक मिलता है, जो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक है। यदि पास होने के अंक 45% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। इस क्वेश्चन में आपको किसी परीक्षा के अधिकतम अंक बताने हैं। तो देखिए, इसको आप एक ग्राफिकल मेथड होता है, उससे एक ट्रिक भी होती है, उसको ट्रिक भी कह सकते हैं, उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको किस प्रकार से एक ऐसी लाइन खींचनी है, उसमें आपको पहले लिखना है 60%, क्योंकि 60% उसको मिलता है, अधिकतम अंक कितने हैं 60%। ठीक है, और उसको परसेंट कितने, परीक्षा में 45% पास होने के अंक हैं 45%। अब आपको इन 60% और 45% का अंतर निकालना है, कितना आया है। 7 और 45 का आएगा आपका 15%, कितना आएगा अंतर होगा बीच का 15%। ठीक है, ये तो होगा आपका परसेंट का, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया गया, पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक मिल गए, यानी कि 45 अंक कितने अंक मिल गए, 45 अधिक। ठीक है, ये हो गए आपके अधिक अंक, इतना आपको ग्राफिकल मेथड में करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बिल्कुल चुटकियों में देखना है। देखिए, 45% का 15%, यानी कि 15% का अंतर था, 15% का कितना अंतर था, 45 अंक के बराबर। तो हर शब्द, यानी कि हर परसेंट अपने आप में 100 होता है, जो कि पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक कितना होगा, 100%। 100 को जिसका आपको अंक, यानी कि जितने अधिक हैं उनको ऊपर, और जिनका आपको निकालना है 15% इन दोनों के बीच का, तो लिख लेंगे नीचे और 100 से दे देंगे डिवाइडेड बाई। ठीक है, यहाँ पे आप कहना लेंगे 15 होता है 45, और 3 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका 300 अंक अधिक आ जाएंगे। इनकी परीक्षा का अधिकतम अंक हो जाएगा कितना, 300 परीक्षा के अधिक अंक होते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल तरीके से। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। इस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी बेहतर तरीके से। तो इसी प्रकार से आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होते हैं, जो उत्तीर्ण का 52% है। दूसरे विद्यार्थी को 330 अंक प्राप्त होता है, ज्ञात कीजिए कि कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन में आपको बताना है, इसको सिंपल और शॉर्ट ट्रक से देखेंगे आज। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको देखना है कि 260 अंक हैं, 260 अंक हैं कितने परसेंट के, 52% के बराबर, यानी कि पहले विद्यार्थी को 552% मिले और दूसरे व्यक्ति को 330 से आपको अंक प्राप्त होता है, ज्ञात कीजिए कितने परसेंट, इसको कितने परसेंट प्राप्त हुए, ये आपको निकालना है। देखिए, पहले विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए, 52%, और उस कितने नंबर से, 260 से कितने, 330, इसको आप कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और 33 का इंटू 2 में करेंगे तो आपका 66% क्वेश्चन का आंसर
आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकालना है। ट्रिक समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करते चलें वीडियो को। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप समझ सकते हैं और उससे आपका ये क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किया तथा वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर यानी कि परीक्षा का पूर्णांक बताना है, तो इसको भी आप ग्राफिकल मेथड से करेंगे। 35% आपको परसेंट मिला है उस बच्चे को और 28% भी उसको अंक प्राप्त हुए हैं छात्र को। ठीक है, अब आपको इनका बीच का अंतर निकालना है। वही जो पहला क्वेश्चन किया था, 7% आपको जी हो गया, 7% मिला तो हो गया फेल। अब आपको अंकों के एन की अधिक मिले, जो कितने अधिक मिले वो भी क्वेश्चन में है, 35 अंक। ये है अंक, ये है परसेंट। ठीक है, 7% के बराबर हो जाएगा आपका 35 अंक। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 100% का होता है पूर्ण अंक। और आपको बताया कि 35 लिखना है ऊपर, जिसका निकालना है 7 नीचे, और 100 में आपको इंटू कर देना है, जो कि परसेंट का 7 का परसेंट यहाँ पे आ जाएगा। 7 पंचा होता है 35 और 500 पूर्णांक आपका निकल के आ जाएगा। 5 का गुणा 100 में करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस सीरीज में, ताकि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए पेपर से, क्वेश्चन कोई भी पेपर बाहर से अंदर हो। इस क्वेश्चन में आपको SSC MTS के पेपर में आप उठा के देखेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है। SSC GD का क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। उसके 110 अंक प्राप्त किया, वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। उस परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। आपको इस परीक्षा, इस क्वेश्चन में परीक्षा का अधिकतम अंक बताना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या दिया। इसको बिल्कुल 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये परसेंट का चिन्ह लगाया, 40% अंक हैं, 110 अंक उसको प्राप्त हुए हैं। अब आपको देखना, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण, तो आप इसमें 10 दे देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो 40% का कितना हो गया, 120, और 100% होता है पूर्णांक, तो आप निकालेंगे 120, ए वाली संख्या आ जाएगी आपके नीचे, इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, 4 से 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 3 बार 12 कट जाएगा, तो आपका टोटल आएगा 300 पूर्णांक, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो सा भी आपको क्वेश्चन पसंद यानी कि समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा समझाने की कोशिश की जाइए, लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपके ऑल डाउट क्लियर हो सकें।